माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो है, ऐसे लिख देता चलेगा। लेट्स इसको एस बना दिया, मतलब ये जो सर्किल का इक्वेशन है इस एक्सप्रेशन को एस लिख रहे हैं, ठीक है। तो यदि ये एक्सप्रेशन एस हो गया, कैपिटल एस, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे एस इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो, ऐसा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स, जैसे 1.1, 1.1, ये पॉइंट हो गया, कॉल दिस बी ए, है ना। यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, ये भी इनसाइड है, और बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बट मैं कुछ कुछ ही पॉइंट ले रहा हूँ। जैसे 1.1 हो गया, ये वाला पॉइंट है, ये बी पॉइंट बना देते, लेट से -1.0, ये भी इनसाइड है, ठीक है। ये वाला पॉइंट सी ले लेते हैं, 0.-1, ये सी पॉइंट हो गया इनसाइड। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनसाइड यदि पॉइंट है तो इस एस की वैल्यू कैसे आती है, यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो एस ए के लिए चेक कर लेते हैं, एस ए के लिए, या फिर इसको ऐसे लिख दे, S1.1, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एस सिर्फ ये एक्सप्रेशन है, तो 1.1 का मतलब है 1² + 1² - 4, एंड दैट इज -2 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। बी के लिए देख लेते हैं, बी के लिए देख लेते हैं, मतलब एस ऑफ -1.0, ये देख लेते हैं, तो कितना मिलेगा, ये -1² + 0² - 4, दैट इज -3 आ जाएगा। इन द सेम वे एस ऑफ ये 0.-1 इज इक्वल टू, देख लेते हैं ये कितना आ जाएगा, 0² + -1² और -4, एंड दैट इज -3। तो ये सब नेगेटिव आ रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि इसके सर्किल के इनसाइड जितने भी पॉइंट होंगे उन सब के लिए एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा बाय द वे। तो इसी चीज को एस वन, ये जो है इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं S1। S1 का मतलब क्या है कि जो एक्सप्रेशन है इसमें उस पॉइंट को पुटअप कर दिया S1। तो जितने भी इनसाइड के लिए, तो इसमें क्या होता है, S1 < 0, एंड जो पी पॉइंट है वो X1, Y1, कोई जनरल पॉइंट है PX1, Y1, यदि ये पुट करते हैं एस में तो S1 बोला जाएगा। तो इसमें S1 है क्या, मतलब S(X1, Y1), इससे मतलब है S1 का, मतलब ये है P पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। तो S1 < यदि 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाई P लाइज इनसाइड द सर्कल। क्या इतनी बात समझ आई, ये क्लियर हुआ सिचुएशन। अच्छा एक काम और करते हैं, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट, मतलब इसी के बाहर वाले पॉइंट्स जो देखे हैं, बाहर वाले जो पॉइंट है उनको देख लेते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, लेट से ये डी पॉइंट है 2.3, चलेगा। और ये ई पॉइंट हो गया, लेट से 3.0, और भी कर सकते हैं यहाँ पे 3.3 लिख सकते हैं, या -3। एफ के लिए देख लेते हैं, -3.-3, ये भी है इधर पॉइंट। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड सिचुएशन देख लेते हैं आउटसाइड के लिए, तो एस ऑफ डी मतलब 2.3 कितना आएगा, देखो ध्यान से, 2.3 टू पुट कर दे, 2² + 3² - 4, तो इसका वैल्यू आ गया 9। ये कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इन द सेम वे एस ऑफ ई, ई मतलब 3.0, ये दे चेक कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 3² + 0² - 4, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, ध्यान से देखो, 9 - 4 = 5, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। एफ के लिए देख लेते हैं, S -3.-3 है ना, -3.-3, तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे -3² = 9,
प्लस 9 माइनस 4 तो ये 14 हो रहा है, ये करते हैं 0 आ रहा है। तो अब यदि कोई पॉइंट हमने पुट अप किया और S1 की वैल्यू, S1 यदि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाई P लाइज आउटसाइड आउटसाइड द सर्कल। अच्छा, P लाइज आउटसाइड द सर्कल, तो ऑन द सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, इनसाइड के लिए S1 की वैल्यू लेस देन 0 आ रही, आउटसाइड के लिए S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही, तो ऑन द सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? S1 is equal to 0 हो जाएगा, S1 equal to 0। तो ये कंडीशन आप लिख लीजिए, देर आर थ्री कंडीशन। कंसीडर अ पॉइंट P1 या P X1 comma Y1 एंड S, S जो है वो क्या हो जाएगा, S जो है दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है। ये एक्सप्रेशन है S, सर्कल की इक्वेशन है। तो मैं सर्कल लिख देता हूँ S इस ऐसा। और S1 का क्या मतलब है? S1 का मतलब है कि इस पॉइंट को इसमें इंसर्ट कर देते हैं, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2fy1 प्लस c हो गया। तो यदि एक सर्कल है इस तरह से, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? सर्कल की इक्वेशन हो गई s इज इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन है s इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट इनसाइड है, तो ये क्या हो जाएगा? S1 less than 0 होगा इसके लिए। On the circle है, तो इसके लिए S1 की वैल्यू क्या होगी? 0 है। और आउटसाइड यदि पॉइंट है, तो इसके लिए क्या होगा? S1 greater than 0 हो जाएगा। नोट ऑन दिस, नोट करो। आउटसाइड के लिए S1 greater than 0 होगा, इनसाइड के लिए S1 less than 0 होगा, और S1 की वैल्यू जीरो होगी जब वो पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा हो। नोट ऑन दिस। नाउ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कर दे इस पे बेस्ड, राइट डाउन। फाइंड द पोजीशन ऑफ of a point 1,2 with respect to following circles. First likho फॉलोइंग सर्कल, सर्कल बना देते हैं एस वन सर्कल। लेट्स से ये सर्कल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। और एस टू सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। आंसर करो, आंसर देम वन बाय वन। हाँ सर, आ गया। बताओ क्या पोजीशन है इसकी? सर पहला वाला लाइज आउटसाइड द सर्कल और दूसरा वाला इनसाइड द सर्कल। इसमें आउटसाइड आ रहा है और इसमें आ रहा है ये इनसाइड, है ना? यही आ रहा है ना? तो इसके लिए चेक क्या करेंगे, कुछ इस तरह से देखते हैं। S1 of 1,2 चेक कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया? 1 plus 2 square 4 minus 4 plus 6, 6 into 2 12 आ गया minus 3। So how much it is? 4 4 कट हो गया,
10 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब S1 का वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मतलब 1,2 लाइज आउटसाइड आउटसाइड, ठीक है। अच्छा ये सेकंड सिचुएशन देख लेते हैं S2 के लिए, S2 1,2, तो 1,2 पे कितना आ गया, 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 × 1 -6 × 2 -3, तो ये कितना मिल रहा है देखो, 9 - ये 15, तो ये कितना हो गया -6 विच इज लेस देन 0, तो इसका मतलब है S2 1,2 पे इसकी वैल्यू जो आ रही है वो लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब है कि 1,2 लाइज इनसाइड इनसाइड द सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन है कि हमने S1 बुक पुट अप कर लिया, तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर इसमें जो आपने पोजीशन दिया ये एक्सपेरिमेंटल है, आपने एक्सपेरिमेंट करके बताया, तो ऐसा नहीं है, इसका प्रूफ है, प्रूफ मैं बता देता हूँ आपको कि लेट से S जो है x²+y²+2gx+2fy+c=0, ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल बना देते हैं यहाँ पे, इसका सेंटर जो हो जाएगा, सेंटर लेट से ये है O बना देते हैं, तो दैट इज -G, -F इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और P पॉइंट कोई लेट से ये बाहर हो गया P, लेट से X1, Y1 है ना, तो अब यहाँ पे P कहीं पे भी हो सकता है, पी बाहर हो सकता है, सर्कल के ऊपर लाई कर सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, या इनसाइड भी लाई कर सकता है, एंड लेट से रेडियस ऑफ दिस सर्कल भी, रेडियस हम इसको लेट से ये आर बना देते हैं, आर रेडियस है, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ ये OP डिस्टेंस, तो कोई पॉइंट पी के इनसाइड या आउटसाइड है ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो पहला पॉइंट आप लिखो फर्स्ट वन, इफ OP ग्रेटर देन आर हो जाए, सर्कल के रेडियस से बड़ा हो जाए, इसका मतलब है पी लाइज आउटसाइड आउटसाइड द सर्कल। सेकेंड सिचुएशन है इफ OP, OP जो डिस्टेंस है मतलब सेंटर का पॉइंट से डिस्टेंस, यदि ये R के इक्वल हो जाए, इसका मतलब है P lies on the circle, ठीक है। और तीसरा सिचुएशन क्या होगा, इफ OP लेस देन R, दिस इंप्लाई P lies इनसाइड द द सर्कल, पी लाइज इनसाइड द सर्कल, तो मैं एक काम करता हूं कि ये वाला केस देख लेते हैं, तो यहां से तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा, OP लाइज इनसाइड द सर्कल, तो OP डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका मतलब है OP²<R²) होगा, और OP² कितना हो जाएगा, X1+G²+Y1+F²<R²), तो इस सर्कल का रेडियस कितना है, G²+F²-C, अंडर रूट है स्क्वायर किया तो ये खत्म हो गया इस तरह से, तो ये देखो ये क्या हो गया, X1²+2GX1+G²Y1²+2FY1+F²<R²>
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पे जी स्क्वायर ये कट हो गया, एफ स्क्वायर ये कट हो गया, इसको इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी लेस देन जीरो, ऐसा सिचुएशन। ये क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि यदि ये एस है तो ये क्या बना, क्या लिखा हुआ है, देखो एक्स वन स्क्वायर यहाँ पुटअप कर दिया ना, एक्स और वाई की जगह एक्स वन वाई वन, तो ये क्या हो गया यहाँ पे एस वन लेस देन जीरो, एस वन लेस देन जीरो। तो इनसाइड के लिए जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एस वन लेस देन जीरो। ऑन द सर्कल के लिए सिमिलरली एस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और आउटसाइड द सर्कल के लिए एस वन ग्रेटर देन जीरो आता है। तो याद रखना है इन पॉइंट्स को, आप नोट कर लीजिए फटाफट, है ना, नोट डाउन देम ऑल, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन करो बच्चा लोग, राइट डाउन क्वेश्चन है, इफ द ज्वाइन ऑफ, इफ द ज्वाइन ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स टू कॉमा वाई टू मेक्स एन, मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल एट, ऑब्ट्यूज एंगल एंगल एट एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, then prove that, then prove that, prove that x3 minus x1 into x3 minus x2 plus y3 minus y1 into y3 minus y2 less than 0. आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन, आई होप कि ये समझ आया होगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, एक सर्कल बनाता हूं, जिसका डायमीटर हो, डायमीटर का एंड पॉइंट्स हो, से ये ए हो गया एक्स वन कॉमा वाई वन, और ये बी हो गया एक्स टू कॉमा वाई टू, चलेगा, ठीक है। और तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सर्कल विद ए बी एज डायमीटर, कितना होगा ये, क्या ये एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, ये आएगा x माइनस एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो, ऐसा आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, जो तीसरा पॉइंट है, यदि कोई पॉइंट बाहर हो, या सबसे पहले तो ये देखें सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है, लेट से कोई भी कहीं पे भी हो सकता है सर्कमफेरेंस में, लेट से ये सी पॉइंट हो गया, तो ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, है ना, और ये पॉइंट हो गया लेट से डी, सर्कल के बाहर हुआ कोई भी पॉइंट, तो ए बी के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, जो भी होगा थीटा, थीटा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, ग्रेटर देन जीरो बाय द वे। और यदि कोई पॉइंट
इनसाइड है, इनसाइड कोई पॉइंट है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, बीटा होगा, बीटा एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, द ज्वाइंट ऑफ दिस मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल एट x3, y3, है ना। ये ई पॉइंट बना देते हैं, लेट से ये ई पॉइंट है x3, y3, तो E पे जो है ए बी जो है ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो E क्या करेगा, E लाइज इनसाइड द सर्कल, इसको S बना देते, इसको S में, तो S विद रेस्पेक्ट टू E, दैट इज S x3, y3 लेस देन 0 एज E लाइज इनसाइड द गिवन सर्कल। ठीक है, इनसाइड है तो ये इंप्लाई कर देते हैं, ये इंप्लीकेशन का मतलब है x की जगह x3 और y की जगह y3, तो x3 - x1 * x3 - x2 + y3 - y1 * y3 - y2 < 0 हो जाएगा। Hence, proved हो गया, यही प्रूव करना था। क्या इतनी बात समझ आई, इज दिस क्लियर? राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द पॉइंट a, a+1 lies inside the region bounded by the circle x² + y² = 4 and the line x + y = 2 in the first quadrant. आंसर करो, आंसर इट। आंसर जो आया है कितना मिला बताओ, आंसर ए बिलोंग्स टू 1/2 √7 - 1/2, यही आ रहा है ना। यही मिला ना आंसर, ठीक आंसर है, यही आंसर है।